ओके गाइज, मैं यहाँ पे एक ऐप है इसको करता हूँ ओपन, तो आप लोग देखेंगे जैसे ही ओपन करता हूँ प्लीज वेट का ऑप्शन आया येलो कलर में, एंड थोड़ी देर बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा आ चुका है कि मूवी का ट्रेलर हो, मूवी का रिव्यू हो या अबाउट अस, एक नॉर्मल ऐप्स में जैसे होता है। मैं जैसे थंबनेल में बताया हूँ, आप चाहेंगे तो ऑनलाइन से ये चीज़ को चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर लिख रहा है एक्टिवेट नो, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे YES तो आप लोग देखिए इंटर मारते क्या होता है। मैं मारता हूँ यहाँ पे इंटर, आप लोग देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है पूरा डिजाइन, एंड ये हो रहा है ऑटोमेटिक। एंड यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं जो आपको यूजर को देना चाहते हैं, अगर अर्निंग बनाना चाहते हैं आपका टास्क या पैसा जीतो, या कोई मूवी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं कि डाउनलोडिंग के लिए, क्योंकि नॉर्मली फेसबुक हो या एडमोब मूवी ऐप डाउनलोडिंग करने के लिए भी अलाउ नहीं करता है। तो इसी हिसाब से मैं ये वीडियो बनाने का मेन मतलब ये है कि आप ऑनलाइन से कैसे चेंज कर सकते हैं डिजाइन। आप शुरुआत में कुछ रखिए, जैसे नो दबाया था, कुछ ऐसा डिजाइन रखिए जहाँ पे आप लोग कुछ मूवी रिव्यू या कुछ भी आप लोग ऐसा बना के रखिए, तो इस तरह ऐप आप लोग फेसबुक आसानी से अप्रूवल कर देता है। एंड जैसे ही अप्रूव हो जाता है आप अपना ऐप को ऑनलाइन से भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे यस एंड नो पे मैं कर रहा हूँ, तो बहुत आसान है। एंड आप ऐसा करके आप बढ़िया से अर्निंग ऐप हो या आपका डाउनलोडिंग वाला ऐप हो बना सकते हैं, पैसा भी कमाया जा सकता है, राइट। तो इस बात में वीडियो को जरूर लाइक करिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सिंपल सा चीज़ है, मैं कोल्डर में आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे तीन अरेंजमेंट लिया है, कैसे तो आप लोग देखिए यहाँ पे मैं अरेंजमेंट में वेलकम अरेंज, ऑफलाइन अरेंज एंड ऑनलाइन अरेंज। तो ये अरेंजमेंट का एक कलर दिया हूँ, जैसे यहाँ पे शुरुआत में हुआ येलो कलर, यहाँ पे मैं सारे का सारे वर्टिकल अरेंजमेंट लिया हूँ। आप लोग यहाँ पे लेआउट में जनरल में आप लोग ले सकते हो वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया, एंड यहाँ पे ये अरेंजमेंट आप लोग दिखाने के लिए रहेगा ऑफलाइन में, एंड ये अरेंजमेंट आपका रहेगा ऑनलाइन में, राइट। तो यह अरेंजमेंट का अंदर में मैंने क्या किया हूँ, ये जो सबसे नीचे वाला अरेंजमेंट इसको मैं विजिबल को फॉल्स कर दिया हूँ, यहाँ पे टिक मारा था इसको अनटिक कर दिया, ऑफलाइन वाला को भी अनटिक किया, केवल वेलकम वाला को विजिबल को ट्रू किया हूँ, क्योंकि हमें शुरुआत में केवल येलो वाला डिजाइन दिखना चाहिए एंड ये दोनों डिजाइन गायब कर देना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली फायर बेस में ले लिया हूँ, फायर बेस में टोकन URL ये दोनों मैंने डाल दिया हूँ। ये कैसे डालते हैं ये जरूर आप लोग पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो बना हुआ है, सर्च करिए टीचिंग गुरु फायर बेस मिल जाएगा, राइट। तो अभी ब्लॉक्स में मैंने सिंपल सा लॉजिक किया हूँ, आप लोग देखिए कि स्क्रीन शुरुआत में हमने फायरबेस का बुकेट को ब्लैंक रखा एंड गेट वैल्यू किया एक्टिवेट। एक्चुअली मैं क्या किया हूँ, फायरबेस में एक टैग डाला हूँ, यहाँ पे प्लस करके आप लोग डाल सकते हो टैग, एंड यहाँ पे वैल्यू जहाँ पे मैंने किया हूँ एक्टिवेट, एंड यहाँ पे लिखा हूँ येस या नो लिखना है। सिंपल सा आप लोग और कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ टेस्ट या TT इंटर मारता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरह आ जाता है। तो यहाँ पे इससे ही मैंने एक्टिवेट या नो किया हूँ या यस करना है, आपको केवल इतना ही करना है। ऑटोमेटिक क्या होगा, सबसे पहले आपको गेट वैल्यू करना है एक्टिवेट, मतलब एक्टिवेट या है टैग, तो यहाँ पे येस है या नो है वो वैल्यू को निकलना है। तो जैसे ही गॉट वैल्यू होता है, ये सारे चीज़ ब्लॉक्स है जो है फायरबेस में है ऑलरेडी, आप लोग ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही गॉट वैल्यू मिलता है तो हम लोग क्या किया, अगर गेट वैल्यू इक्वल टू येस है तो फिर क्या किया हमने, वेलकम अरेंज को तो विजिबल जो है फॉल्स करना है, तो यहाँ पे येस है मतलब हमें चाहते हैं कि ऑनलाइन वाला एक्टिवेट हो जाए। तो इसी बात से ऑनलाइन अरेंजमेंट को विजिबल को ट्रू किया, जैसे ये अरेंजमेंट था यहाँ पे सारे ब्लॉक्स है, तो यहाँ पे ऑनलाइन अरेंजमेंट को ट्रू किया एंड ऑफलाइन अरेंजमेंट को फॉल्स किया। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे नो में अगर हमारा चाहते हैं कि यहाँ पे अप्रूवल के लिए हमने भेजे हैं या हम चाहते नहीं कि यहाँ पे दिखाने के लिए, तो यहाँ पे नो कर दिया। अगर हमारा वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए नो है, तो यहाँ पे नो होते ही हमारा वेलकम अरेंज जो शुरुआत में जो येलो वाला था तो वो वाला को विजिबल तो फॉल्स करना है, यहाँ पे नो है मतलब हम ऑफलाइन अरेंज को ट्रू किया एंड ऑनलाइन अरेंजमेंट को फॉल्स किया। तो सीधा सा लॉजिक है कि आप जो अरेंजमेंट यहाँ पे दिख रहे हो कौन सा को विजिबल करना है या कौन सा को इनविजिबल करना है, नो करना से क्या होगा, यस करना से क्या होगा, यही चीज़ मैंने इधर लिख लिया। एंड और एक चीज़ यहाँ पे लिखा कि जैसे ही डाटा चेंज होता है, कहाँ पे डाटा चेंज होगा, क्योंकि फायरबेस में बहुत सारी चीज़ हो सकता है चेंज, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो एक्टिवेट ये जो टैग है यहाँ पे टैग में कुछ भी चेंजेस होता है तो यही चीज़ को हमने यहाँ पे लगाया कि अगर डाटा चेंज होता है टैग में, कौन सा टैग में, ये वाला टैग को लिया ना, एक्टिवेट टैग में अगर चेंजेस होता है तो फिर हमने फायरबेस को कॉल करेंगे गेट वैल्यू एक्टिवेट के लिए जो हमने शुरुआत में डाले थे, एंड उसके बाद में जैसे वैल्यू मिल जाएगा फिर यही फॉर्मूला शुरू हो जाएगा एंड वही अरेंजमेंट। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा अर्निंग एप्स या कुछ भी आप डाउनलोडिंग वाला एप्स बनाना चाहते हैं
तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप लोग बढ़िया से काम कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आप लोग प्लीज वेयर या कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं, जब तक कनेक्टेड नहीं होगा मीन्स आपका गेट वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक ये अरेंजमेंट विजिबल इनविजिबल नहीं होगा या वेलकम आरएच भी फॉल्स नहीं होगा। समझ में आ गया होगा तो उम्मीद है ये वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सारे कुछ समझ में आ जाएगा क्लियरली। चलिए ये अगर आप लोग ब्लॉग्स आप देखना चाहते हैं मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी इसका ए फाइल दे दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो साथ, यू गाइस हैव अ ग्रेट डे, वीडियो को जरूर लाइक करिए, बाय बाय, टेक केयर।